वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सीरीज की। तो यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में, उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और नंबर सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स क्वांट में पूछे आते हैं उनको यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने हैं। और मैं बेसिक्स भी क्लियर कर चुका हूँ आपके ऑलरेडी नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो ये हमारा पार्ट वन होगा जिसमें हम लेवल वन की बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मैं प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं और जो फॉर्मूलेज यूज़ होंगे उनको मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर लूँगा। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये आपका HCF और LCM के ऊपर आधारित है। इसमें कहा है कि अगर HCF और LCM जो है दो नंबर्स का दिया है 8 और 18 रिस्पेक्टिवली, मतलब मुझे HCF पता है वो कितना दिया है 8 और LCM जो है वो कितना दिया है यहाँ पर 48। फिर पूछा है अगर एक नंबर जो है वो 20 नंबर है, मतलब कि फर्स्ट नंबर जो है वो आपको 24 दिया है तो आपसे अदर नंबर पूछा है सेकंड नंबर। तो एक लाइन का सीधा फार्मूला होता है LCM इंटू HCF, वो किसके बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दी है 8 इंटू 48 और एक किसके बराबर है 24 इंटू एक्स, सेकेंड नंबर हमें एक्स फाइंड करना है। तो 24 से ये दो बार 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। तो जो सेकंड नंबर जो फाइंड आउट करना है वो कितना आ जाएगा आपका 16। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5834 गिव्स अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 20, 28, 32 एंड 35 इज। तो आपको बताना है कि वो कौन सा जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5834 में से जो आपको एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे 20, 28, 32 और 35 से। तो जब कभी भी नंबर निकालना हो तो इससे डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, आप इनका एलसीएम निकाल लो 20, 28 और 32 और 35, इनका आप एलसीएम कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से करता हूँ डिवाइड, तो ये 10 बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा और ये 16 बार और 35 आपका एज इट इज रहेगा। एक बार 2 से और जाएगा 5 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार और 35 एज इट इज। अब क्या करो आप 7 से इसको एक बार डिवाइड कर दो, तो 5 ऐसे ही रहेगा, 7 एक बार चला जाएगा, 8 भी ऐसा ही रहेगा और ये 5 बार चला जाएगा। अब देखो 5 से आप इसको एक बार डिवाइड करो, 1 यहाँ आ गया, यहाँ बना गया, यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर बना गया। अब ये 8 बचा है, 8 को मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो 2 × 2 × 7 × 5 × 8। तो अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 1120। तो आप क्या करो जो आपको ये नंबर दिया है 5834 इसमें से आप क्या करो 1120 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको कितना मिलेगा 4714। तो ये जो नंबर निकल कर आएगा यही आपका वो नंबर होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका CGL टायर वन में पूछा गया था 2010 में। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि आपको 9th टर्म निकालनी है 0, 3, 8, 15, 24, 35 ... देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको क्वेश्चन जो है वो AP GP और HP में नहीं दिया होता है। अब AP GP HP के बेसिक्स क्या हैं कि AP में क्या होता है कि आपका कॉमन डिफरेंस दिया होता है कि यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, ठीक है। GP में क्या होता है कि डिवीज़न की फॉर्मेट में वो चलता है, जैसे कि 4, ठीक है, फिर 16 हुआ, फिर 64 हुआ, कुछ इस फॉर्मेट में जब चलता है तब GP चलता है वहाँ पर, ठीक है। तो जब कभी क्वेश्चन में आपका AP GP HP नहीं लगता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका बेसिक रीजनिंग बेसिक फंडामेंटल काम करता है। अब इसमें दिया है 0, 3, 8, 15, 24, 35। तो ये टर्म कितनी दी गई हैं, ये आपको पहली टर्म है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मतलब कि 6 टर्म आपको दिए हैं। और पूछा क्या आपसे कि 9th टर्म बताओ इस सीक्वेंस में क्या आएगी। तो देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकाली है, 1² - 1 से फर्स्ट टर्म निकाली है। सेकेंड टर्म कैसे आई है, 2² - 1 से, और थर्ड टर्म 3² - 1, और ये 4² - 1, और ये 5² - 1, ये है 6² - 1, मतलब कि 6 टर्म कैसे निकली है 6² - 1। 9th टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी 9² - 1, 81 - 1 कितना आ गया 80। अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आपको यहाँ पर 40th टर्म निकालनी है तो आप आसानी से निकाल लोगे, आप क्या करोगे 40² - 1 करोगे तो कितना आएगा 1600 - 1599। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर कोई भी टर्म पूछेगा आप निकाल लोगे, लेकिन दोस्तों ये क्या है, इसमें बेसिक रीजनिंग लग रही है, जो मैथ जो रीजनिंग के क्वेश्चन हम सीरीज वाले सॉल्व करते हैं कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन कभी भी एग्जामिनर आपको यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं देगा कि आप इसमें 508 की टर्म निकालो,
वो आपको इसी के आसपास देगा कि आप आसानी से आइडेंटिफाई करके एक दो टर्म आगे लिखकर इसको निकाल दें, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 लीव्स रिमाइंडर 21। जब कोई एक नंबर है जिसको आप डिवाइड करते हैं 114 से तो वो रिमाइंडर कितना देता है, 21 देता है। इफ द सेम नंबर, अगर उसी सेम नंबर को आप डिवाइड करते हैं 19 से तब वो रिमाइंडर क्या देगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि जब किसी नंबर को आप 114 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 21 देता है। इसका मतलब कि वो नंबर क्या होगा, 114 प्लस 21 कर दो आपको क्या मिला 135, मतलब कि वो नंबर 135 होगा। जब 135 को आप 114 से डिवाइड करते हो तो ये एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 21 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर पूछा है अगर उसी सेम नंबर को, तो मतलब कि 135 को सेम नंबर को आप डिवाइड करोगे 19 से, ठीक है, तो वो आपको कितना देगा। अब ये क्या कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 7 times, ठीक है। 19 से आप इसको करोगे तो ये 7 times जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बच जाएगा। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इफ द फर्स्ट डिवाइजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड डिवाइजर, मैं यहाँ पर नोट भी करता हूँ, इफ फर्स्ट डिवाइजर इज मल्टीपल ऑफ सेकेंड डिवाइजर, ठीक है, तब आपको अगर रिमाइंडर निकालना है तो वो क्या होगा, रिमाइंडर बाय सेकेंड डिवाइजर, तो वो क्या होगा, आप क्या करो डायरेक्टली 21 इसको डिवाइड किससे कर दो, इस 19 से कर दो, तो ये 19 से एक बार गया, यहाँ पर 2 रिमाइंडर मिल गया आपको, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर मिल रहा है वही रिमाइंडर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये फंडा शॉर्ट ट्रिक के लिए काम आ जाता है हमारा, ठीक है। इस मेथड से भी चलो, जब सेम नंबर को दोनों यहाँ पर डिवाइड करने वाले हों, ठीक है, दो की बात की जा रही हो, तब कुछ इस तरीके से करोगे, तो जो रिमाइंडर मिलता है उस रिमाइंडर को इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वही अल्टीमेटली रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं, नंबर 5th की। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, SSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज 84, द ग्रेटर नंबर इज, मतलब कि दो नंबर आपको दिए हैं 3:4 में, उनका एलसीएम दिया है और आपका ग्रेटर नंबर पूछा है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, अगर दो नंबर इस रेशियो में दिए हैं, दो नंबर हैं ए और बी, साथ में उनका HCF होता है एक, और एक होता है उनका LCM, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि दो नंबर जो है वो 3:4 में दिए हैं, 3:4 रेशियो में दिए हैं, और उनका LCM जो है वो 84 दिया हुआ है, और HCF मैंने X मान लिया, एज्यूम कर लो, क्योंकि पूरी इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में चलती है, ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। तो ग्रेटर नंबर आपसे पूछा है, मतलब जिसका रेशियो बड़ा होगा, 4:4 वाला नंबर आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो HCF होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो LCM किसके बराबर होता है दोस्तों, वो LCM बराबर होता है 3 × 4 × x = 84, इसके बराबर क्या होता है आपका LCM होता है, मतलब कि जो दोनों रेशियो दिए हुए हैं ये और x जो आपको HCF दिया हुआ है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर आती है, वो आपका इस LCM के बराबर आती है, ये आपका फंडा होता है। तो 3 × 4 × x = 84 हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो जब आपको पता चल गया कि आपका HCF जो है वो 7 है, तो आप क्या करो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये कितना हो गया, बड़ा रेशियो आपको बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो 7 × 4 ये कितना आ गया, 28, 7 × 4 = 28 आ गया। अब अगर छोटा नंबर पूछता तो 3 × 7 कितना आ गया, 21, तो हमसे बड़ा नंबर पूछा है 28, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, नंबर 6। अब इसमें भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा है कि 6 टर्म बताओ, तो देखो लिखा है 2, 6, 11, 17 और डॉट डॉट डॉट। तो देखो यहाँ पर 4 जुड़ रहा है, यहाँ पर 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या है 6 जुड़ रहा है, तो अगली बार क्या जुड़ेगा, 7, और उससे अगली बार क्या जुड़ेगा, 8। तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी है, चौथी है, और ये पाँचवीं होगी, और ये 6 होगी टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 17 में 7 जोड़ा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 24, फिफ्थ टर्म जो हो गया, और 24 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 32, ये आपका 6 टर्म आ गया, तो 6 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 32। इसका कोई फंडा नहीं होता है, आपसे क्वेश्चन इसी के आसपास में पूछेगा, 4 टर्म देगा, 6 पूछ लेगा, 7वीं पूछ लेगा, 8वीं पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि आपसे 4000 टर्म्स पूछ लेगा,
वो आपसे वहाँ पर पूछेगा जहाँ पर एपी और जीपी बनेंगी, ठीक है। उसके क्वेश्चंस मैं आपको सेपरेट करा दूंगा एपी जीपी एचपी, तो आपको बोफंडा क्लियर हो जाएगा। और आप अगर कभी बीच बीच में वैसे क्वेश्चंस आएंगे तब आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर दिया है 6, डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ दोस्तों ध्यान रख लो कि जब आपको ये डिजिट दी है 2, 4, 6, ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर आप 10th वाली टर्म बताओ, तो आप क्या करोगे 2, 4, 6, 1, 2, ये थर्ड टर्म है, 4, अब गिनकर बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर AP लग रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है, बिल्कुल सेम हर जगह, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो मुझे ये पता है कि ये फर्स्ट अगर टर्म है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा 2n, क्योंकि मैं n की वैल्यू को 1 रख रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर मैं 2n की बात करूँ तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू को 2 रख रहा हूँ, यहाँ पर भी अगर 2n होगा तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू को 3 रख रहा हूँ, 3 × 2, 6 मिल गया। तो मुझे अगर 10th टर्म निकालनी है तो 2n के हिसाब से मैं क्या करूँगा, 2 × 10 रख दूंगा, तो 20 मेरा निकल कर आ जाएगा। अगर पूछा जाएगा 401 नंबर की टर्म बताओ क्या आएगी, तो मैं क्या करूँगा 2 × n की जगह पर 401 रख दूंगा, तो कितना आ गया, यह आ गया 802। तो कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन का नेचर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस था, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी भी क्वेश्चन में आपका एपी जीपी एचपी नहीं बनता है तो वहाँ पर रीजनिंग लग जाती है, और रीजनिंग में हम इस तरह से क्वेश्चन को सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। 7th वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर वुड बी। मतलब कि कोई एक नंबर है जिसको आप 136 से डिवाइड करते हो तो आपको 36 मिल जाता है रिमाइंडर, अगर उसी नंबर को आप 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप क्या करो, जो ये रिमाइंडर आया है, ठीक है, ये जो भी आपका रिमाइंडर आया है आप क्या करो इसको 17 से डिवाइड कर दो, तो दो बार जाएगा पूरा पूरा रिमाइंडर, यहाँ पर कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट डिवाइज़र जो है वो मल्टीपल है सेकेंड डिवाइज़र का, तो रिमाइंडर जो सेकेंड डिवाइज़र का होगा वो क्या होगा, इसी फंडे से हम उसको निकाल सकते हैं। अब अगर बेसिक्स की बात करोगे तो क्या कर लो, 136 प्लस 36 इसमें और ऐड कर दो, कितना हो गया 172 हो गया, और इसको अगर आप 136 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, 36 मिलेगा। तो आप अगर 172 को 17 से डिवाइड करोगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 10 टाइम्स पूरा पूरा चलेगा, 2 रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। तो देखा ये भी फंडा ही काम कर रहा है, ये भी फंडा ही काम कर रहा है। तो जो मैंने आपको दो लाइनें लिखाई हैं, इफ द फर्स्ट डिवाइजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड डिवाइजर देन द रिमाइंडर ऑफ सेकेंड डिवाइजर वुड बी, इस फॉर्मेट में जो इसका रिमाइंडर है उसको इस नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, 8th वाली। अब देखो इसमें कहा गया है कि एक फोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसमें कहा है कि अ 4-डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 2-डिजिट नंबर सच एज 1515, 3737 एट्सेट्रा, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कभी भी 2-डिजिट नंबर को रिपीट करके अगर हमने 4-डिजिट का नंबर बना लिया, तो आपको बताना है कि कोई भी आप ऐसा नंबर बताओ जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड यहाँ पर कर देगा। ऑप्शन दिया है 7, 13, 11 और 101। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपको अपने आप ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ क्या है कि मैंने नंबर लिया 15, तो इसको इन्होंने कैसे रिपीट किया, 15 और 15 ये लिख दिया, ये 4-डिजिट का नंबर इन्होंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब ये 15 15 इस 15 से कैसे फॉर्म होकर आया, वो इस तरह से आया दोस्तों, 15 में पहले इन्होंने 100 की मल्टीप्लाई की, फिर इन्होंने यहाँ पर 15 जोड़ दिया। तो अगर 15 में 100 की मल्टीप्लाई की तो ये कितना आ गया, 1500 हो गया, और मैंने यहाँ पर 15 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 1515। यही फंडा 3737 के साथ है, 3700 37 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अब देखो जनरल टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक्स वाई कोई एक नंबर लिया और जब आप इसको रिपीट करोगे तो वो क्या आएगा, xy और xy, क्योंकि 15 को रिपीट कैसे किया, पहले 15 लिखा फिर मैंने फिर 15 लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर। अब देखो इसी फंडे के अकॉर्डिंग ये xy भी इसी तरह से चलेगा, तो पहले xy में मैं क्या करूँगा, 100 की मल्टीप्लाई करूँगा प्लस मैं क्या करूँगा xy को यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखो xy अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या बनता है, 100 प्लस 1, तो यहाँ पर ये क्या मिल जाता है, xy के साथ में 101 आपको मिल जा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों xy से जो ये आपका xy बन रहा है
वो 101 से डिविजिबल ही होगा। तो यहाँ पर आपको 15 15 मिलता है, वो भी आपका 101 से डिवाइडेबल होगा। 37 37 मिलता है, तो ये भी इससे डिविजन होगा। ठीक है, अगर आप कहते हो 42 42 मिलता है, तो ये आपका 101 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्मेशन को बनाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपसे और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं। जैसे कि 9th वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 101 हो जाएगा। अब आप देख लो, ये जो नंबर 9 वाली प्रॉब्लम है, अब इसमें कहा गया है सॉल्व दीज क्वेश्चन केयरफुली, मतलब दिया है HCF और LCM दिए हैं 12 और 36 किन्हीं दो नंबर के, और एक नंबर 84 दिया है। तो इसको आप खुद करो, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब इससे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन निकल कर आता है, उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन जो है ये निकल कर आया। आ जाते हैं नंबर 10th पर। अब देखो, 10th वाले में कहा गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF एंड LCM आर 3 एंड 105 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब दो नंबर की अगर मैं बात करूँ, ये रेशियो में दिए हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, इनका HCF बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, इनका LCM बनता है। अब जैसे मैंने दो नंबर की बात है, तो यहाँ पर दिया है HCF और LCM, HCF आपको 3 दिया है और LCM कितना दिया है, 105 दिया है। तो मैंने बताया था जो HCF होता है वो क्या है, इसके साथ में डिविजिबल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि सम जो है दो नंबर्स का वो क्या है, 36 है, मतलब कि 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पर 3 कॉमन लेके डिविजिबल में ले जाओगे, तो x प्लस y कितना आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 12 आपको मिल गया। ठीक है, अब मैंने इसको एक्स वाई माना था, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये क्या है, आपका सेकेंड नंबर है। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में हम चीज़ों को कर रहे हैं। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता चुका हूँ, ये वाली चीज़, जो ये चीज़ बराबर लगा दो LCM, मतलब कि जो आपका फर्स्ट नंबर का रेशियो होता है, सेकेंड नंबर का रेशियो होता है, इंटू HCF बराबर LCM होता है, मतलब कि एक्स इंटू वाई इंटू HCF वो किसके बराबर होता है, LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको एक्स वाई दिया हुआ है ना, और साथ में ये क्या दिया हुआ है, ये आपको 3 दिया हुआ है। तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, यहाँ पर केवल रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पर नंबर निकाल कर मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये किसके बराबर है, LCM 105 के। तो यहाँ पर एक्स वाई निकाल दो, 3 से डिवाइड कर दो, कितना, 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, एक्स वाई 35 आ गया। अब ये मुझे पता है एक्स प्लस वाई 12 है, एक्स वाई कितना है, 35, मतलब कि एक्स या तो 7 होगा या तो बाई 5 होगा। यहाँ पर भी आप देख लो, एक्स जो है वो क्या है, 7 है, और बाई जो है वो क्या है, 5। ये वाइस वर्सा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 12 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 35 आना चाहिए, वो आ रहा है, 7 इंटू 5 35, और 7 और 5 आपका 12 यहाँ पर बन जा रहा है। ठीक है, अब देखो, जब आपके यहाँ पर ये नंबर मिलकर आ गया एक्स और वाई, तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू रख दो, 7 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया 21, और वाई की वैल्यू मान लो 5 इंटू 3 कर दो, 15। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, इसलिए कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो एक नंबर 21 आ गया, एक नंबर क्या आ गया आपका, 15 आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनका आप रेसिप्रोकल निकालना है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि 1y 21 प्लस 1y 15, ये क्या हो गया। तो LCM मत लो, 21 इंटू 15, इन दोनों को ऐसा ही लिख दो, 21 से अगर इसको एक बार करोगे तो 15 इंटू 1 15 आ जाएगा, प्लस ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर कितना आ गया, 36 डिवाइड बाई 21 इंटू 15। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है, ये देखो आपका हो जाएगा 3 से 12 बार जाएगा, 3 से 7 बार, अब ये 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, तो कितना आ गया, 4 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 कितना आ गया, 35। तो 4/35 को ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा, ये राइट आंसर है। आपको अगर अप्रोच पता है, जो बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, भाई फिर से बता रहा हूँ, और इसमें इतने स्टेप्स एग्जाम में नहीं लगाने, एग्जाम में डायरेक्टली आपको जितना क्वेश्चन में लिखा है उतना आप रफ कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी निकाल लोगे। ओके, 11th वाले की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें लिखा है हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 120 एंड 300। ये तो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ नंबर सिस्टम में। अब देख लो, इसमें क्या है, 120
और 300 के बीच में आपको परफेक्ट स्क्वायर बताने हैं। तो 120 के ऊपर कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आता है? 121 आता है ना, तो वो 11 से स्टार्ट होता है, यही है ना। और 300 के अंदर क्या आता है आपका? देखो 18 का 324 हो जाता है, तो 17 का आएगा, ठीक है। अब जब आपको यहाँ पर आंसर निकालना होता है, मैंने आपको बताया था आंसर निकालने के लिए क्या करो, 17 में से 11 को लेस कर दो, 17 माइनस 11, और मैंने आपको वहाँ पर बताया था प्लस 1 जरूर ऐड कर देना। 17 में से 11 हटाए, 6 प्लस 1 केवल 7, तो बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे? 7 बनेंगे। तो एग्ज़ाम में राइट आंसर हम क्या करके आएंगे? ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग क्या करते हैं, 17 में से 11 लेस तो कर देते हैं लेकिन ऑप्शन सी मार आते हैं, लेकिन वहीं पर आंसर उनका फिर गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सावधान रखना होगा, ठीक है। 12th वाले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्योर साइक्लिसिटी बेस्ड है। अगर आपको हर नंबर की साइक्लिसिटी पता है, इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, नहीं पता है तो टाइम लगेगा। आ जाते हैं साइक्लिसिटी बेसिक्स के ऊपर। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आप सर्च करोगे साइक्लिसिटी बाय करंट अफेयर्स फंडा, आपको वीडियो मिल जाएगी। नंबर पूछा है 3 की पावर 21, तो सबसे पहले 3 की पावर 21 की आप यूनिट प्लेस यहाँ पर निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जब आप यूनिट प्लेस निकाल लोगे उस यूनिट प्लेस को डिवाइड किससे करना है, 5 से, आपको बता दोगे कितना रिमाइंडर वहाँ पर आएगा। तो जब आपको 3 की पावर 21 निकालनी है तो 3 का साइक्लिसिटी पता होना चाहिए, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, यूनिट प्लेस लिखेंगे केवल 7। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जब आप 3 की पावर 5 करोगे तो ये क्या होता है, ये होता है आपका लास्ट में यूनिट प्लेस 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका होगा 243। तो जब 243 में लास्ट यूनिट 3 आ रहा है, मैंने आपको 3 लिख दिया, तो देखो यहाँ पर 3 था, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर 3 रिपीट हो रहा है, तो यहीं पर आप इसको कैंसिल कर दो लास्ट वाली लाइन को। तो 3 की साइक्लिसिटी कितनी आई? 4 निकल कर आई 3 की साइक्लिसिटी। अब जो पावर है 21, इसको आप साइक्लिसिटी से डिवाइड करो और यहाँ पर रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है। रिमाइंडर आपका आया 1 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि जो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जब 1 आया है, तो 3 की पावर रिमाइंडर अगर आप कर दोगे तो यूनिट प्लेस कितना मिल गया आपको? 3 मिल गया। तो 3 की पावर 21 का जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 3, ठीक है। 21 को 4 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आया, 3 की पावर 1 कर दिया, 3 मिल गया, ठीक है। अब यूनिट प्लेस हमें मिल गया, अब इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से करना है। तो जब कभी भी आप किसी छोटे नंबर को उस बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलता है? ऊपर वाला ही नंबर मिल जाता है, 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्मेट में हम चलते हैं। अब अगर आपको साइक्लिसिटी आती होती तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड 12 सेकंड में कर देते। साइक्लिसिटी का कंसेप्ट आप पढ़ लो एक बार। बाकी दोस्तों और भी मैं लगभग 15 क्वेश्चन इसके बाद दूसरा सेट लेकर आऊँगा, जिसमें क्वेश्चन जो होंगे वो अदर लेवल के होंगे, नंबर सिस्टम के ऊपर आधारित, जो आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं। तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि पहले उन क्वेश्चंस को कराऊँ जो आपके एग्जाम्स में ही पूछे आते हैं, ठीक है। तो आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आते रहें। अगली वीडियो में दोस्तों फिर आपसे मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नंबर सीरीज की बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आप उनको देख लें, और साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर पर। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।